तो यार कैसे चल रही है मेरे दोस्तों की जिंदगी? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब नाइस। यार हमारी धरती पे विचित्र चरित्र वाले लोगों की संख्या कुछ इस तरह से बढ़ रही है, कुछ इस तरह से कि मन तो करता है कि लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम लोग तो इसी बवासीर के दीवाने हो और मैं तुम तक तुम्हारी दीवानगी पहुंचाने वाला एक साधारण सा इंसान हूँ जो तुमसे तुम्हारी दीवानगी के बदले में बस इस चैनल को सब्सक्राइब करने की भीख मांगता रहता है। लेकिन यार तुम लोग तो वो भी नहीं करते हो। यार पैसे थोड़ी ना लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, इसीलिए यार तो सब्सक्राइब करो, हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार। तो अब हम लोग अपनी सस्ती बकचोदी खत्म करते हैं और अपनी बवासीर वाली बकचोदी की तरफ चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार विचित्र प्राणियों की इस श्रेणी में मेरी लिस्ट में आ जाएं डीजे मृणाल और दीपक कलाल, जिसको अपने कैरी भैया ने एक बहुत ही सुंदर सा नाम दिया है। तुम लोग उन्हीं के मुंह से सुन लो उन्होंने क्या नाम दिया। देश वकांडा के पंछी का। अब यार इस सस्ती सी टट्टी को इतना अच्छा नाम मिल गया है जो कि इसके नसीब में कभी था ही नहीं, और इसको ये बात पता थी, इसलिए ये कोई ऐसा नाम ढूंढ रहा था जो इसके नसीब में हो। और वैसे ही किसी नाम की तलाश में ये साधारण टट्टी से किसी ऐसी टट्टी में तब्दील हो गया जो पता नहीं क्यों महकती रहती है और महकती रहती है। इसकी कुछ इंस्टाग्राम की वीडियोस देख लो फिर तुम समझ जाओगे। Stop it. Get some help. Hey, that's pretty good. What? What the fuck? उन्होंने मुझे मेट्रो में, रास्ते में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट में, यहां तक कि मेरे प्राइवेट जेट में घुसकर मुझे बहुत कूटा। Oh, hell no. उसकी ऐप इंट्रोड्यूस करने जा रहा है जिसका नाम है रंगीन भाभी दीपक कलाल। नानी, ओमाए वा मो शिंदे इरु। अब तो तुम्हें समझ में आया क्या होगा कि दीपक कलाल किस बवासीर का नाम है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और अपने मृणाल भाई साहब, सो कॉल्ड डीजे मृणाल, जिनका किसी भी तरह के डीजे से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, फिर भी ये छपरी आदमी अपने आप को एक डीजे समझता है। और ये छपरी डीजे अपने वकांडा के पक्षी से कम नहीं है। और जब हमारा वकांडा का पक्षी यानी कि अपने दीपक कलाल भाई साहब और अपने डीजे मृणाल एक साथ आते हैं, तब जो सिनेरियो बनता है उस सिनेरियो के सामने तो अपने अवेंजर्स एंड गेम की अंतिम फाइट सीन भी कुछ नहीं है। No, God, please, no, no, no! यार जब ये लोग वीडियो बना बना के एक दूसरे से बात करके अपने अवेंजर्स और डीसी वालों को फील कर सकते हैं, तब सोचो अगर इन दोनों की शादी हो जाए तब क्या होगा। अब यार मेरी ये बात सुनने के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भले सुप्रीम कोर्ट वालों ने लेस्बियन और गे को मान्यता दे दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तो ऐसी शादी कराता चलेगा दूसरों की। तो ऐसे लोग चिंता मत करो, तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है। रुको जरा, सबर करो। यार मैं इन लोगों की शादी खुद नहीं करा रहा हूँ, ये लोग खुद एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और इनकी शादी शादी नहीं बल्कि शादी का एक सस्ता सा वर्जन है जिसको ये लोग शादा बोलते हैं। और एक बार इनके बरातियों पे भी नजर डाल लो। दीरू मौनचा, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ट्रिगर इंसान और कैरी मिनाटी आएंगे। अब यार शादी में तो बरातियों की कोई कमी नहीं होती है, और शादा का मुझे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन शादी का ये एक सस्ता वर्जन है तो हम लोग मान लेते हैं कि शादा में भी बराती धूमधाम से नाचते हैं। सही पकड़े हैं। लाठी लाठी। अब यार अपने दुल्हा और दुल्हन, सॉरी अपने दुल्हा और फिर से एक दुल्हा,
रिनाल भाई साहब ने दीपक कराल को कश्मीरी नौजवान कहा था और हम लोगों ने तो दीपक कराल की जवानी देख ही ली है, लेकिन डीजे मृणाल के बारे में तो हमने कुछ देखा ही नहीं, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो चलो एक बार इनके प्रेम कथा पर नज़र डालते हैं, और इनके प्रेम कथा को देखने के बाद हम लोगों के माइंड में दीपक कराल के बारे में और क्लैरिटी आ जाएगी और हमारा डीजे मृणाल भाई साहब से इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। ओके मैंने दुनिया पे बहुत सारा मर्द देखे हैं, लेकिन अगर कोई सच्चा मर्द है वो है दीपक कराल। Motherfucker. मैं दीपक कराल का मर्दांगी चखना चाहता हूँ। मैं और दीपक कराल शादी करके Seriously, what the fuck are you doing? शादी करके दिनचर पूजा जैसा बच्चा दो चार बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। अगर डीजे मृणाल भाई साहब जिंदगी में कभी भी हकते मुतते खाते पीते मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लोग अपने कपड़े बाहर इसलिए पसारते हैं ताकि वो सूख जाए, इसलिए नहीं ताकि कोई और आके उनके कपड़े चुरा के ले जाए और वही कपड़े पहन के एक लॉजिकलेस नॉनसेंस प्रेम कथा बनाए। लेकिन अपने छपरे डीजे भैया ने तो यही किया है, पता नहीं किस पड़ोसन के नाइटी उठा के ले आए हैं। और इनके फेस पर का पाउडर मुझे पाउडर कम और चीजा की टट्टी ज़्यादा लग रही है, लेकिन इतने सारे सस्ते गुण होने के बाद भी हम अपने डीजे मृणाल भैया की लव स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ये डीजे मृणाल अफ्रीका का शेरनी और दीपक कराल के साथ शादी करना चाहता है। यार अपने डीजे भैया मुझे अफ्रीका की शेरनी कम और अफ्रीका की चुड़ैल ज़्यादा लग रहे हैं, जिसका उड़ने वाला झाड़ू वहाँ के प्रेसिडेंट ने ले लिया है और उसको बोला है कि तुम जंगल में रहो और जंगली जानवरों को भगाओ अपनी डरावनी शक्ल दिखा के। अब यार इतने खतरनाक वाहियात प्रपोजल के बाद अपने कश्मीरी नौजवान यानी कि अपने कराल भैया के अंदर का नौवा जवान जाग गया है और उसी नौवे जवान ने अपने डीजे मृणाल अफ्रीका के सो कॉल्ड शेरनी को रिप्लाई किया है। जरा देख लो क्या है। डीजे मृणाल, मैंने आपका शादी का ऑफर देखा। डीजे मृणाल, आपने मेरे लिए वीडियो बनाया जिसमें आपने कहा कि आप दीपक कराल से शादा करना चाहते हैं। अब यार मुझे कराल भैया के शादा से ज़्यादा टेंशन उस पीछे नाव चलाने वाले की हो रही है, वो बेचारा पता नहीं कब इसकी बात सुनते सुनते कोमा में चल जाएगा और उसकी शक्ल को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इंतज़ार कर रहा हो कि कब ये कराल भैया अपना फ़ोन रखे और कब वो बेचारा अपना चप्पू निकाल के उसको मारे। तुम अफ्रीका के जंगल की क्वीन हो और मैं कश्मीर का एक हट्टा कट्टा जवान मुश्तंडा, तो बहुत मज़ा आएगा और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी ये शादी बहुत धूमधाम से होगी। और यार दीपक भैया अपने आप को मुश्तंडा बोलते हैं, मुझे तो ये मुश्तंडा कम और निकम्बा ज्यादा लगता है। सही पकड़े हैं। मैं आपको पप्पी दूंगा। माँ लव यू डीजे मृणाल, दीपक फ्रॉम कश्मीर। माँ मुझे टाटा के जो, मुझे टाटा के जो। अब यार अपने कराल भैया के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, इनकी इस वीडियो को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ऊपर वाले ने आदमी औरत और किन्नरों को बनाना ख़त्म कर दिया था उसके बाद अपने ऊपर वाले की नज़र पड़ी दीपक भैया पे और अपने दीपक भैया को देख के ऊपर वाले ने ज़रूर ऐसा सोचा होगा कि यार सारे इंसानों को तो मैंने धरती पे भेज दिया है, अब ये बेचारा बच गया, इसको चूतिया बना के भेज देता हूँ। और ऊपर वाले ने ऐसा कर भी दिया और इस बात का जीता जाता सबूत हम लोग अभी देख चुके हैं। यू आर राइट ब्रो। और ये निकम्बा बोल किस आवाज़ में रहा है, इससे अच्छी आवाज़ में तो मेरा गली का कुत्ता भौंक लेता है। तो यार चलो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यही कहीं पे भटक रही होगी, फॉलो कर लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो मन है तो लाइक करो वरना डिसलाइक करो, और अच्छी लगी या ख़राब लगी कमेंट करके बताओ। मुझे टाटा के जो, मुझे टाटा के जो।